जनपद बिजनौर में पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम नया सवेरा को गति देने के लिए कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला समिति नारनौर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि नशा एक अभिशाप है। इससे एक अकेले व्यक्ति का शरीर तो बेकार होता ही है, साथ ही पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। नशा एक गंदी आदत है। यह बात हमारे जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने भी मान ली है कि अधिकतर परिवारों के विनाश का कारण नशा है। इसलिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने नया सवेरा अभियान चलाकर ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है जो नशे के आदी हैं। ऐसे लोगों को पुलिस भय से नहीं अपितु साधारण वर्दी में समझाकर नशे की लत से दूर करने का प्रयास कर रही है। जिले के डीएम व एसपी का सरकार के लिए यह सराहनीय एवं प्रशंसनीय कदम है। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया ने कहा कि पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने जिले को नशा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसको नया सवेरा नाम दिया है। पुलिस नशा करने वाले व्यक्ति तक साधारण वर्दी में पहुंचेगी, उसे कई तरह से नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद भी अगर वह नहीं मानता है तो परिवार की सहमति से नशा मुक्ति केंद्र पर छोड़ा जाएगा, जिसकी व्यवस्था पुलिस की देखरेख में रहेगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि पुलिस जनता के साथ है, आप एक नशा करने वाले व्यक्ति का जीवन बदलने में सहयोग करेंगे तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। दुर्घटना रोकने के लिए दुपहिया वाहन चालक को हेलमेट का प्रयोग करने पर भी जोर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं ब्लॉक प्रमुख पुत्र कपिल चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल बिजनौर जिले के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जिले को नशा मुक्त करने का अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि समाज में नशा करने वाले परिवार उन्नति नहीं कर पाते, उनकी अवनति का कारण ही नशा है, क्योंकि नशा करने वाले व्यक्ति को अपने परिवार की चिंता नहीं होती है, वह नशे की दुनिया में रहकर पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है। आमजन पुलिस को बुरा कहते हैं, परंतु बिजनौर जिले की पुलिस ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ली है कि वह अपने जिले को नशा मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस कार्य के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। समाज सेवी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट वीरेंद्र राजपूत ने कहा कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वह प्राकृतिक दृष्टि से स्वर्ग है, यहाँ की जलवायु स्वच्छ है, यहाँ का किसान संपन्न है। इस संपन्नता को अपनी आने वाली पीढ़ी तक बनाए रखने के लिए नशे को समूल समाप्त करना होगा। कार्यक्रम में कोतवाली चांदपुर प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार राय, एसएसआई नरेंद्र प्रताप सिंह, पांडव नगर चौकी इंचार्ज पवन कुमार, सीतामठ चौकी इंचार्ज जितेंद्र बैंसला ने भी अपने विचार रखे। ग्राम मुकेश सैनी ने गत 8 नवंबर को भव्य ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के मेले के सकुशल संपन्न होने पर ब्लॉक प्रमुख, पुलिस विभाग, भारतीय किसान यूनियन का आभार व्यक्त किया। ग्राम प्रधान द्वारा मंचासीन अतिथियों को अंग वस्त्र एवं धार्मिक चित्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में रवि सैनी प्रधान, पुत्र सोनू चौधरी, अशोक कुमार तहसील अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। वहाँ खुला हुआ बिजनौर में भी है, तो हम लोग जहाँ अगर कोई बच्चा इस तरह की आदत का शिकार हो गया है तो हम ये चाहते हैं वो माता पिता हमें गोपनीय रूप से आके बता सकते हैं। और हम लोग भी कोशिश ये करेंगे उससे पुलिस वर्दी में ना मिलके सादा वस्त्र में उससे बात करेंगे और उसको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी और जिस क्षेत्र में निकला है वो उससे वापस लौट के आ सके, क्योंकि वो बच्चा इतनी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि उसका एनवायरमेंट वहाँ का जो लोग लोकेलिटी है वो ऐसी है कि वो उससे ग्रसित हो चुका है। तो उसे हम लोग जितना हो सकता संभव प्रयास करेंगे एक अच्छे रास्ते पर निकाल सकें और उसके लिए। Thank you.